Hello everybody, welcome to my channel. It's Rubina's lecture. Today we will discuss the topic lesson number 1 nutrition food supply system. इसमें हमारा टॉपिक रहेगा माल न्यूट्रिशन. हम लोग आज माल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे. माल न्यूट्रिशन एक ऐसा डाइट कंडीशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होता है. माल न्यूट्रिशन को यूजुअली रिफ़र किया जाता है अंडर न्यूट्रिएंट. अंडर न्यूट्रिएंट मीन्स क्या, उसका मतलब इंडिविजुअल नॉट गेटिंग द इनफ कैलोरी और प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है चिल्ड्रन, वो न्यूट्रिएंट जो अच्छा क्वांटिटी में लेना नहीं है हमें. जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट रिफ़र करेंगे विटामिंस, हम विटामिंस को मोर क्वांटिटी में नहीं लेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, इसीलिए उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है. सो, ऐसा कंडीशन जिसमें जो डाइट है ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए या बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाए जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं. माल न्यूट्रिशन के बाद रहेगा इसका अपोजिट टर्म जो है बैलेंस डाइट. एक ऐसी डाइट जिसमें पूरे प्रकार के न्यूट्रिएंट हो और पूरे तरीके के न्यूट्रिएंट, जिसमें सफिशिएंट कैलोरीज हो, प्रोटीन हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. अभी इसके अंदर न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस एंड मिनरल, इसको न्यूट्रिएंट कहते हैं. माल न्यूट्रिशन 3 टाइप के हैं. एक तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, एक है कैलोरी माल न्यूट्रिशन, एक है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन. सो, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस करेंगे जो डिजीज़ जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं. हमने देखा कि 3 टाइप के माल न्यूट्रिशन होते हैं. एक है प्रोटीन डिफिशियंसी माल न्यूट्रिशन, एक है कैलोरी माल न्यूट्रिशन, एक है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन. अभी हम लोग फर्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है वॉशियर का डिजीज़ ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी. सिम्टम्स क्या रहेंगे, स्वोलन लेग, फ्लफी फेस, डिफ़िकल्टी टू ईट, डायरिया और ड्राई स्किन. नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा मरास्मस, जिसमें दोनों प्रकार के प्रोटीन डिफिशियंसी रहेंगे, प्रोटीन एज वेल एज कैलरी. इसे हम कहेंगे मरास्मस डिजीज़. इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, लीन एंड वीक, दुबला पतला आदमी रहेगा, लेस डेवलप मसल, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे, ड्राई स्किन रहेगा और डायरेक्ट कंडीशन रहेगा. अब नेक्स्ट टाइप का जो डिजीज़ रहेगा, कंडीशन रहेगा हेल्थ प्रॉब्लम का, वो है ओबेसिटी. ओबेसिटी ओवर ईटिंग की वजह से या एक्सेस ऑफ कैलरीज रहेंगे अपनी डाइट में, ज़्यादा चीज़ी फूड, ज़्यादा ऑयली फूड खाने से ओबेसिटी कंडीशन आ जाएगा, जिससे कैलरी इनटेक जब ज़्यादा होगा बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन आएगा, उसे ओबेसिटी कहते हैं. अभी यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर, ओबेसिटी के अंदर लीड करते हैं डिजीज़ के लिए, डिफरेंट डिजीज़ हो जाते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंटली आया है डायबिटिक कंडीशन हो जाएगा, कार्डियक वैस्कुलर फेलियर हो जाएगा, हार्ट डिजीज़, रीनल फेलियर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाएगी. ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिंस. विटामिंस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे हमें अपनी डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट के हिसाब से लेना होगा. तो विटामिन को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, 2 टाइप के विटामिंस क्लासिफाई होते हैं. एक है फैट सोलेबल विटामिंस, एक है वाटर सोलेबल विटामिन. फैट सोलेबल विटामिन के अंदर आएगा हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. वाटर सोलेबल विटामिंस कौन कौन से हैं, विटामिन बी दैट इज़ बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. ये हमारे 2 टाइप के विटामिन हैं, एक है फैट सोलेबल, एक है वाटर सोलेबल. सोर्सेस ऑफ विटामिन बाई अवर डाइट थ्रू द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर body. There are some of the vitamins that are produced in our body only. There are certain bacteria, थोड़े bacteria जो हमारे intestine में हैं, उसमें एक vitamin है जो हमारा vitamin K जो हमारी body में synthesize करेगा by the bacteria intestine में है. So vitamins are, other name of vitamins are micronutrient which are required by our body in a small quantity. इसीलिए जो vitamins, जो nutrient हमारी body के लिए बहुत small quantity में utilize होते हैं, इसीलिए vitamins को कहा गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट. सो विटामिन अदर नेम इज माइक्रो न्यूट्रिएंट. विटामिंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर चार्ट दिया है, जिसमें हेल्थी फूड, कौन से टाइप ऑफ फूड में विटामिंस रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन और इसकी डिफिशियंसी की वजह से आप लोगों में क्या डिजीज़ आएंगे और उसके क्या सिम्टम्स हैं. तो विटामिन ए फर्स्ट, जिसकी डिफिशियंसी की वजह से लॉस ऑफ विजन आएगा, देखने में कम दिखाई देगा. यहाँ के इसके सिम्टम फर्स्ट रहेंगे पूर विजन, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस दैट इज़ नाइट, समटाइम कंप्लीट लॉस. अगर हमारा कंप्लीटली जो डाइट है उसके अंदर
ये विटामिन नहीं रहेगा, ये लीड होगा कम्प्लीटली लॉस ऑफ विटामिन मी. सो विटामिन ए एक ऐसा है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है. अभी आएंगे हम विटामिन बी वन. इसकी डिफिशियंसी या कमी की वजह से उसे होगा डिजीज नोन एज बेरी बेरी. सो इसमें रहेंगे क्या सिम्टम्स रहेंगे, वीक मसल्स होगा, वेरी लिटिल एनर्जी टू वीकनेस महसूस होगा. अब नेक्स्ट आएगा हमारा विटामिन सी. विटामिन सी यूजुअली सिट्रस फ्रूट में होता है. इसकी डिफिशियंसी की वजह से डिजीज़ होगा स्कर्वी. इसकी वजह से यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो गम रिलेटेड होते हैं या वूंड, तो ब्लीडिंग गम्स हो गए, दांत दांत में से खून निकलना, या वूंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से जो वूंड्स होते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे उसको हील करने में या कम होने में. अभी नेक्स्ट विटामिन आएगा विटामिन डी. ये यूजुअली कारण रहा है मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल दैट विटामिन डिफिशियंट डी की डिफिशियंसी, जो हमारे विटामिन डी है जो सनलाइट से हमें मिलता है, यूजुअली विटामिन डी जो है उसे कोली कैल्सिफेरॉल कहते हैं. इसकी वजह से फ्रीक्वेंटली देखा गया है छोटे बच्चों में जो डिजीज़ है वो लेग से रिलेटेड है, वो रिकेट है. उसका डिजीज़ का नाम रिकेट है, जो जिसमें बोन्स क्या हो जाते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और लेग क्या हो जाते हैं बेंड हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन है वो है हमारा कैल्शियम, जो यूजुअली दूध में रहता है, जिसकी डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीजेस है वो बोन रिलेटेड रहेंगे या टूथ रिलेटेड रहेंगे. ये डिजीजेस अगर होगा तो जो बच्चों के बोन्स रहेंगे या टूथ रहेंगे या दांत रहेंगे वो जल्दी डेवलप नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे. अब ये हमारा है नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन, मिनरल है ये. कैल्शियम आयोडीन जो है हमारे, ये मिनरल्स है. अगर इस टाइप के मिनरल्स अगर हमारी डिफिशियंसी रहेंगे, जैसे कि डिजीज़ होगा आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से, यूजुअली हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना है, आयोडीन एक मिनरल है, डिफिशियंसी की वजह से एक डिजीज़ होगा गोइटर. गोइटर जिसमें गले पर एक बड़ा सा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी. ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन एंड यूजुअली आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से मेंटल डिसेबिलिटी भी आ सकती है. अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल जो है आयरन है हमारा. अगर डाइट में आयरन रिच फूड नहीं रहेगा, हमारा एक कंडीशन होगा वो डिजीज़ होगा एनीमिक कंडीशन, और अनीमिया की डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में वीकनेस होगा. आप लोग चिल्ड्रन ये चार्ट देखकर आप लोग कौन कौन से फूड में कैसे कैसे विटामिन हैं आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन, उसके रिसोर्सेज, डिफिशियंसी डिजीजेस और इसमें सिम्टम. यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी होगी कि जो भी विटामिन है उसका साइंटिफिक नेम, जैसे कि यहाँ पर विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम रहेगा थायामिन. इसके रिसोर्सेज रहेंगे हमारे सीरियल्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश और एग. इससे डिजीज़ होगा बेरी बेरी. और यूजुअली इसके अंदर जो सिम्टम रहेंगे, वॉमिटिंग्स आते हैं, फीट्स होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और समटाइम पैरालिसिस. नेक्स्ट हमारा विटामिन रहेगा विटामिन बी टू, दैट इज़ अवर राइबोफ्लेविन, जो यूजुअली रहेगा मिल्क, एग, लिवर और किडनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में. इसमें डिजीज़ जो होगा ग्लॉस्टस, इस माउथ के जो मुंह के कॉर्नर्स रहेंगे वहाँ पर रेडनेस होगा या स्वोलिंग होगी या तो कोई वूंड होगा. तो फोटोफोबिया, तो लाइट से अगर ये कोई भी किसी में भी होता है ये टाइप का, जो लाइट से है उनको फोबिया होगा. और नेक्स्ट टाइप का हमारा विटामिन आएगा नायासिन, दैट इज़ अवर B3, किडनी, लीवर, एग, फिश, ऑयल सीड में रहेगा. इससे रिलेटेड डिजीज़ है जो है पेलेग्रा. पेलेग्रा एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें सिम्टम रहेंगे हमारे डर्मेटस. डर्मेटस मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज़, डायरिया, लॉस ऑफ मेमोरी एंड द स्केली स्किन. स्किन पे स्केल्स की तरह ऊपर का लेयर निकलते जाएगा, उसे बोलेंगे हम स्केली स्किन. नेक्स्ट हमारा रहेगा B6, दैट इज़ पेराडॉक्सिन, जिसके रिसोर्सेज है सीरियल, ऑयल सीड, वेजिटेबल, मिल्क, फिश, एग एंड लिवर. एनीमिक कंडीशन रहेगा हाइपर इरिटेबिलिटी, नोजिया, जैसे कि मतली होना, वॉमिटिंग. सो इससे ये रिलेटेड रहेगा. अभी हमारा विटामिन B12 है. B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालमिन. ये सिंथेसाइज होता है हमारे पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन है आंते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया B12 विटामिन को सिंथेसाइज करता है, जिसका नाम है साइनोकोबालमिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, आपको याद रखना होगा. अगर ये बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है या बैक्टीरिया
बैक्टीरिया किसी प्रकार से प्रेजेंट नहीं होता है उसमें यूजुअली डिजीज होता है पर्नीशियस एनीमिया बोल, जिसके सिम्टम्स रहेंगे लीन वीक लेस एपेटाइट। सो B12 का रहना जरूरी रहेगा, विटामिन B12 का आपके डाइट। अभी आएगा फोलिक एसिड, दैट इज अदर नेम ऑफ आयरन। आयरन हमें मिलता है लिवर से, मीट से, एग से, फ्रूट से, सीरियल से, लीफी वेजिटेबल से। आयरन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डिफिशियंसी की वजह से हमें एक डिजीज होगा जो है एनीमिया। यूजुअली कहा जाता है अगर आयरन की डिफिशियंसी होगी वो एनीमिक कंडीशन होगा। अभी एनीमिक कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे आपके, डायरिया होगा, लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इंटेस्टाइन और म्यूकस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा पैंटोथेनिक एसिड, जो स्वीट पोटैटो, ग्राउंड नट्स, वेजिटेबल, लिवर, किडनी, एग में रहेगा। अगर इसकी डिफिशियंसी हो उससे हमें डिफिशियंसी डिजीज, दैट इज़ अ बर्निंग फीट, तलवे जलना शुरू होते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट को वॉकिंग प्रॉब्लम हो जाता है और यूजुअली स्प्रेन भी हो जाता है। नेक्स्ट टाइप का हमारा आएगा बायोटिन। बायोटिन रहेगा यूजुअली पल्सेस, नट्स, वेजिटेबल, लिवर, मिल्क, किडनी। इससे अगर ये डिफिशियंसी, बायोटिन डिफिशियंसी डाइट में रहेगा, इससे डिजीज आएगा नर्वस डिसऑर्डर, फैटिग्यू और मेंटल डिप्रेशन और मसल पेन। नेक्स्ट हमारा आएगा जो है हमारा विटामिन सी। ये याद रखिए चिल्ड्रन, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। यूजुअली ये सिट्रस फ्रूट में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है और स्प्राउट्स में होता है। अगर सिट्रस और विटामिन सी की डिफिशियंसी अगर आपके डाइट में हो, आपको डिजीज़ होगा स्कर्वी। स्कर्वी की डिजीज़ में क्या सिम्टम्स रहेंगे, डिले इन हीलिंग ऑफ वोन्स या ब्लीडिंग गम्स या फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन है विटामिन ए, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। लीफी वेजिटेबल, कैरेट, टोमेटो, पम्पकिन, पपाया, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल इसमें रहेगा। अगर ये डिफिशियंसी रहेगा विटामिन ए का, आई रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे आपको, स्किन डिजीजेस रहेगा। इसके सिम्टम्स है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्थाल्मिया, कॉर्निया अफेलियर और स्केली स्किन। नेक्स्ट टाइप का आपका विटामिन है विटामिन डी। मैंने कहा कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। इसे अगर हम लोग डिफिशियंसी होगी, इसके रिसोर्सेस है जो है लिवर है, एग है, बटर, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मॉर्निंग सनरेज। अगर मॉर्निंग सनरेज में अगर आप लोग बैठेंगे जिसको ये डी की डिफिशियंसी है, आप लोगों को फुलफिल होगा। अगर ये डिफिशियंसी से रिलेटेड यूजुअली रिकेट, जो छोटे बच्चों में पाया जाता है, इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन है, स्वोलन ब्रेस्ट है, डेंटेशन है, वीक बोन्स है। नेक्स्ट टाइप का हमारा विटामिन आएगा विटामिन ई, उसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट, मीट, एग, सनफ्लावर ऑयल, इसमें यूजुअली आएगा हमारा डिफिशियंसी की वजह से फर्टिलिटी डिसऑर्डर। फर्टिलिटी डिसऑर्डर मेल में भी हो सकता है या फीमेल में अगर इसकी डिफिशियंसी रहेगी, अबॉर्शंस हो सकते हैं फीटस के। नेक्स्ट टाइप हमारा विटामिन है विटामिन के, उसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन। इसके क्या क्या रिसोर्सेस है चिल्ड्रन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क। अगर ये डिफिशियंसी रहेगी विटामिन के की आपके बॉडी में, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग में डिले होगा, जिसकी वजह से डिले ब्लड क्लॉटिंग की वजह से या ओवर ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इससे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन फूड सप्लाई सिस्टम। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़े क्वेश्चन अभी पूछूंगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? अ डाइट विच इज प्रेजेंट हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट इन इट, सो इट इज़ नोन एज अ बैलेंस डाइट। अभी न्यूट्रिएंट क्या क्या रहेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिंस, मिनरल्स एंड कैलोरीज आर नोन एज डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। व्हाट इज माल न्यूट्रिएंट? माल न्यूट्रिशन इज अ अंडर न्यूट्रिएंट कंडीशन वेयर वन और अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी और विच इज प्रेजेंट इन द टू लेस क्वांटिटी, दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। What are the two sources of vitamin in our body? There are two sources of vitamin, that is vitamin B12 and vitamin K. Vitamin B12, that is cyanocobalamin, is synthesized by a bacteria present in our body, and vitamin K is also synthesized in our body that help in the healing of the wound. Abhi, vitamin, in how many groups the vitamins are classified? Vitamins are classified in
टू ग्रुप्स चल रहे, देर इज फैट सोलबल विटामिन एंड वाटर सोलबल विटामिन. फैट सोलबल विटामिन कंसिस्ट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. नेक्स्ट है वाटर सोलबल विटामिन. वाटर सोलबल विटामिन है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दैट इज विटामिन बी वन, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी ट्वेल्व. हमारे और एक है विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, विच इज़ प्रेजेंट इन द सिट्रस फूड, दैट इज़ अवर वाटर सोलबल विटामिन. इसी तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक कम्प्लीट कर लिया है. ये जो लेसन नंबर वन है न्यूट्रिशन फूड सप्लाई सिस्टम लेसन से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट हो चिल्ड्रन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू चिल्ड्रन.